पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। राकेश जी ये बात तो हर कोई मानेगा, मैं अदब से इस बात को मानने के लिए तैयार हूँ कि अगर किसी तरह का कोई अन्याय किसानों के साथ हुआ है, अंधे है क्या हम लोग, देख रहे ना तो फिर उस शख्स को सजा मिलनी चाहिए और उस अन्याय को दूर किया जाना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये है कि जो आपकी मांगे हैं क्या वो जायज मांगे हैं? अरे कहना क्या चाहते हो, मतलब जिस देश का बजट ही 45 लाख करोड़ के आसपास, आपकी मांगे पूरी करने में दम नहीं फूल जाएगा? चुप हो जा सातवीं फेल, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो अगर ये सवाल आपके होते, ये सवाल अगर चैनल वालों के होते तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। गजब बेइज्जती है। चलो सवाल में एक आध शब्द का हेर फेर हो सकता है, लेकिन सारे चैनल वाले पढ़ाई कहाँ से पढ़ का है, उस यूनिवर्सिटी का नाम बताओ। हरामी हो बेटा। आप सुनिए ना, जैसे जय जवान जय किसान आपको हर एंकर के मुंह पे नजर आएगा राकेश जी, ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। वैसे जय हिंद जो है वो भी सबके चेहरे पर और सबके मुख पर नजर आएगा। अच्छा राकेश जी सुनिए, हिंदुस्तान आपका भी घर है, मेरा भी घर है राकेश जी, है कि नहीं? आप पहले बताइए। नहीं, आप पढ़े पढ़ाए और वही बात बोल रहे सारे। हमने कहा है एमएसपी गारंटी कानून चाहिए, ठीक, उसमें सरकार को जो खरीद करनी है जितनी वो सरकार खरीद कर ले, ठीक है। जो व्यापारी खरीद करेगा, व्यापारी उसके कम पे खरीद नहीं करेगा, ये देश में एमएसपी गारंटी कानून आप बना दे। बात तो सही है। आप ये 22 और 23 जो क्रॉप्स के एमएसपी को मांग रहे हैं वो कितना प्रतिशत है? बमुश्किल 23% है, तो बाकी बचा कहाँ गया? बाकी किसान क्या करेंगे? रुक तेरे को बताते तेरी माँ। थोड़ी मर्यादा रखिए। हमने ये कहा है कि पहले जितना है उस पे कर दो, जिस पे एमएसपी है, जितने भारत सरकार पे एमएसपी तय किया है पहले उस पे कर दो। अच्छा, दूसरी चीजों पे भी होनी चाहिए और भी एमएसपी पे जोड़ी जानी चाहिए, लेकिन सरकार बैठ कर बातचीत तो करे। यही नहीं, अभी और सुनिए, अगर ये सरकार बीजेपी की होती, ये सरकार पॉलिटिकल पार्टी की होती तो ये जरूर बातचीत करती हमसे। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, ये साले ये सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी की ही नहीं। अच्छा, ये सरकार देश में पूंजीपतियों की एक सरकार है। अरे देवा, ये गड़बड़े बाबा। उनका एक गिरोह है, गैंग है पूंजीपतियों का, जो पूंजीवाद है उसने कब्जा कर लिया देश पे, उसने एक पॉलिटिकल पार्टी बना ली। ये तो पूंजीपतियों की पॉलिटिकल पार्टी है। झूठ है, झूठ है, झूठ है। अच्छा बात नहीं है।